सो स्वागत है आप सभी का बस क्लिक में। आज मैं आ गया हूँ फिर से चार्टर्ड बस की एक और जर्नी लेके। लास्ट टाइम मैंने जर्नी करी थी थोड़ा सही नहीं रही थी, सही मतलब कि थोड़ा जल्दीबाजी में करी थी क्योंकि मैं लेट हो गया था आने में। आज मैं बिल्कुल आराम से आया हूँ और मैंने मतलब जानबूझ के ये जो यूरो 3 बस है, वैसे यूरो 4 है इनके पास जो वाइट वाली है, पर ये यूरो 3 है जो मैंने जानबूझ के ये वाली ली ताकि थोड़ा सा डिफरेंस सर है क्योंकि पहली वाली बस भी वाइट थी तो ये वाली वाइट लेता आपकी बात तो फिर कुछ मतलब खास डिफरेंस लगता। यहाँ पे आज मैं AICTSL कैंपस में हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बसें रहती है चार्टर्ड बस की ही और मतलब ये रहती है। अभी आज मैं भोपाल जाऊँगा वापस और भोपाल में इस बस में जाऊँगा। बस जो है 9 बजे वाली है, लगभग मेरे ख्याल से 12:30 बजे तक अपने पहुँचा देगी वहाँ पे। तो बस 1 मिनट बच रहा है अभी, तो मैं आपको इंटरव्यू दिखा देता हूँ पहले क्योंकि फिर ज़्यादा पैसेंजर आ जाएंगे तो इंटरव्यू नहीं दिखा पाऊँगा आपको मैं। ये देख लीजिए कि अपने स्टाफ है, इंटीरियर आपको पीछे से दिखा देता हूँ कि पैसेंजर बैठे हैं बहुत सारे। ये देख लीजिए अपने को सीटर सीट्स मिलती हैं अपने को, और थोड़ी सी ये बस पुरानी है तो इसलिए सीट्स वगैरह क्लीन नहीं है, पता नहीं मेरे ख्याल से तो परमानेंट ही ऐसा ही होगा। ये इमरजेंसी एग्जिट है यहाँ पे, यहाँ पे लगेज के लिए थोड़ा सा जगह दे रखा है अपने को। मैंने फ्रंट वाली सीट बुक करी है और आगे मूवी वगैरह चल रही है तो बस तो चलते हैं।
मैं बाकी गाड़ी से जरूर रखना है ना, मतलब इधर बाकी गाड़ी से बिल्कुल चिपका के मत खड़ी करना, बस सही है। सो अभी 10 मिनट का हॉल्ट आया हमारा हाईवे ट्री टोढ़ी या पता नहीं क्या जगह है। लास्ट टाइम में मैं इधर ही आया था, अगर मैं देखता हूँ कुछ बेटर हुआ कि लास्ट टाइम मैंने यही रिव्यू दिया था कि मतलब कूपन वगैरह सिस्टम रहता है, कूपन मतलब कि टोकन वगैरह सिस्टम रहता है, उस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, 10 मिनट का हॉल्ट है, तो इस वजह से अगर देखते कुछ बेटर हुआ था तो मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो मतलब मेरे को लगता नहीं मेरी वीडियो इन तक पहुँची होगी, तो यही है, बाकी बताता हूँ आपको कैसा क्या है मेरा। और भाई रेस्टोरेंट अच्छा ही है, खाना पीना सब सही है, बस वही बात रहती है 10 मिनट का हॉल्ट रहता है तो ये दिक्कत रहती है। यहाँ पे देख लीजिए नाम लिखा हुआ है हाईवे ट्रीट डोडी, हम मुझे यहाँ के भाई मैं मध्य प्रदेश का नहीं तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। देख लीजिए हमारी बस है यहाँ पे, तो बस यही है, अभी मैं कुछ जाके कुछ खाता पीता हूँ, देखता हूँ कैसा क्या रहता है। तो मैंने अभी एक पोहा ले लिया है और एक चाय ली है, चाय अभी आ रही है और पोहा मैंने ले लिया है। रेट्स वगैरह सब नॉर्मल है और टेस्ट वगैरह कैसा मैं बता रहा हूँ और बाद में बताता हूँ कैसा क्या रहता है। तो बस हो गया हमारा हॉल्ट कंप्लीट और 10 मिनट का हॉल्ट था, बस वही अब मैंने बताया आपको थोड़ा टाइम कम मिलता है। पीछे देख लीजिए कि लोग बस जो अभी नई नई जिसमें अभी इसका ब्लॉग आएगा वो खड़ी थी, बस चलते हैं अब कंटिन्यू करते जर्नी को।
अरे कपिल ये बैग निकाल दो। हाँ वही है क्या? ये हाँ देख इतनी जल्दी में था बैग ही छोड़ गया भाई। अरे वो हाँ बढ़िया तो बस हम लोग भोपाल आ चुके हैं। अभी भोपाल में लालगढ़ के यहाँ पे हमको उतार दिया है और मैं नहीं उतरा हूँ, मेरे को सामने साइड जाना था इसलिए। और ये जो अभी पिकअप वैन देख रहे हैं आप, ये जो है रेलवे स्टेशन और ISBT साइड वगैरह जो भी है वहाँ पे छोड़ देगी। बस यहाँ तक लास्ट जाती है और बाकी शेहर बाईपास भी है वहाँ पे भी छोड़ती है बस आपको। और ये बस, और बस एक बार मैं पहुँचता हूँ जब भी मेरे को जाना है, फिर अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। बस ये देखिए पिकअप जा रही है, ये पिकअप भी मतलब बस जो है लालगढ़ से लगती है। अगर आपको आना है तो भी आपको पिकअप मतलब इसमें ट्रैवलर में आना पड़ेगा और जाना तो भी ट्रैवलर में छोड़ेंगे आपको, तो ऐसा रहता है। अच्छा ये देख लीजिए, ये जो है यहाँ पे एक सेकंड डोर भी रहता है। ये मतलब ये पहले की जो यूरो 3 B11 थी उसमें रहता था, सेकंड डोर रहता है यहाँ पे छोटा वाला। इससे भी मतलब एंट्री एग्जिट हो सकती है पर ये थोड़ा इसमें झुक के निकलना पड़ता था इसलिए ये गेट बंद ही रखते हैं। बस जो है 14.5 meter की है, मतलब जो बाकी बस है इनकी चार्टेड की जो है वो 13.7 meter की है, पर ये 14.5 की है, कुछ मतलब अलग है तो इसलिए कुछ अलग ही हो गया ये मतलब। और बाकी बस मैंने आपको दिखाई दी थी इंटीरियर वगैरह, यही है बस। मैं बस अभी वीडियो को एंड करते हैं अपन लोग, चलिए। तो बस पहुंच गए थे हम लोग भोपाल, भोपाल में मैं लालगढ़ के यहाँ उतर चुका हूँ। ये बस जो है अभी वापस चल जाएगी, बस थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा मतलब सर्विसिंग वगैरह मेंटेनेंस जो भी बोलते 15-20 minutes रुकेगी फिर वापस चल जाएगी। यही है बस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल से जुड़ जाएगा सब्सक्राइब बटन दबा के, और ऐसे और अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा मैं आपके लिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।